मुरादाबाद के हेबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय गान लिखी सरकारी किताबों को फाड़ने और जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय गान के अपमान का विरोध करते हुए कॉलेज परिसर में जमा हो गए। कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये घटना मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित हेबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज की है। यहाँ कॉलेज के गेट और परिसर में सरकारी किताबें फटी हुई मिलने से आसपास के लोगों में हलचल बढ़ गई। दरअसल इन किताबों पर राष्ट्रीय गान जनगणमन छपा हुआ था। कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की गई। नेशनल एंथम के अपमान की बात सामने आते ही हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में जली और फटी हुई किताबें देखने के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल से जुड़े ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये किताब फाड़ कर फेंकी हैं। इस घटना पर स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि किताबें स्कूल के बाहर फाड़ी गई हैं। स्कूल में राष्ट्रीय मिशन के तहत पढ़े मुरादाबाद बढ़े मुरादाबाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, इसी दौरान ये घटना हुई। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं हिंदू युवानी से महानगर मंत्री हूँ। क्या हो रहा था यहाँ पर? मैं इधर कटघर स्टेशन की तरफ से आ रहा था तो स्कूल में से कम 50-100 बच्चे निकले जिनके हाथ में किताबें थी और वो किताबों को फाड़ते हुए जा रहे थे। जब मैं थोड़ी आगे और आया, जब मैंने उठा के देखी तो उसमें राष्ट्रगान लिखा हुआ था, इस तरह की सब लिखा हुआ था। तो मैंने जो है उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के मैंने उनसे कंप्लेंट करी प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल ने दो टीचर भेजे, वो उठाने लगे वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा भाई आप बच्चों को क्या सिखाते हो? बोले नहीं नहीं बच्चे नहीं थे, कोई और था। इस तरह की बातें करते हुए वो अंदर कॉलेज में चले गए।